बीच में और ट्रक वाले को भी बांध ले अब बांध ले इसको भी हाय कर दो सारे। तो गाइस फाइनली स्नो चेन तैयार हो गई है। सो भाई अभी मिल रहे हैं, भाई लोग आए थे कठुआ वाली साइड से, बोलते हैं कि बड़ी वीडियो वगैरह देखते हैं। सो तो गाइस यहां पे ना सीन हो गया, भाई की गाड़ी गई है फर्स्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। तो भाई आज हम जा रहे हैं स्नो चेन बनाने, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्नो चेन कैसे बनानी है। स्नो ड्राइव का प्लान बन गया, बन नहीं गया, बन जाएगा। तो इससे पहले हम स्नो चेन बनाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ उधमपुर में स्नो चेन कहाँ से बनती है और कैसे बनती है, ठीक है। तो भाई आए हैं अपने साथ, ठीक है, वंश भी आ गया स्कूटी लेके। एक्चुअली ये टायर फिर खोल के तो स्कूटी के आगे ही आएगा, बाइक के आगे तो आएगा नहीं। तो भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं स्नो ड्राइव पे। ये भी बोल रहे हैं मैंने बाइक के लिए बनानी है चेन, तो बाइक के लिए तो कोई आती नहीं है चेन। तो चलते हैं अब टायर वाली दुकान पे और खोलते हैं टायर और दिखाते हैं आपको। क्या भाई दिखाते हैं आपको, है ना। तो चलो फिर चलते हैं यहाँ से, गाड़ी तो कर दी मैंने स्टार्ट, गाड़ी की हालत भी ऐसी हो गई। चलो अब स्नो में जाएगी तो भाई फिर हवा में उड़ेगी ये, दिखाऊंगा मैं ऐसे ऐसे सीन, ना जाने पूछो कैसे कैसे सीन। भाई चलते हैं फिर और दिखाते हैं आपको। गाइस भैया के पास पहुंच गए हैं, ये है भाई भैया की दुकान और ये है हमारे भैया। ये खोलेंगे अभी टायर और फिर मैं टायर रखूँगा स्कूटी के आगे, स्कूटी के आगे तो आएगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलो खोलते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के जाएंगे अब, ठीक है ना। तो गाइस फाइनली टायर आ गया बाहर, अब इसको रखते हैं स्कूटी के आगे। आएगा ये, रखो गाइस इधर देख सकते हो आप, फैन आ चुके हैं, हाय कर दो सारे। नहीं आगे नहीं आएगा टायर, आएगा गाइस स्कूटी है अब एक, टायर भी एक, देखने आता नहीं आता। एक्चुअली सीन पता क्या, हमने जाना है बाजार तो उसकी वजह से हम स्कूटी लेकर जा रहे हैं, तो आएगा नहीं। ट्राई करो क्या दे, चाबी दे ना, चलते हैं बाजार और आपको दिखाते हैं आगे का सीन। तो गाइस चेक कर लो, अभी हम बाजार में हैं। अच्छे कैसा फील आ रहा है। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं, ये है दुकान। ओए क्या क्या कर रहा है अबे। तो गाइस ये है दुकान सामने रामनगर चौक से थोड़ा सा डाउन में आके, तो मैं आपको दिखाता हूँ आइएगा सही, ठीक है। आयो भाई वो पड़ी है चेन है। तो गाइस फाइनली जो स्नो चेन आ चुकी है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं दुकान पे, ब्लैरो आ गई अपनी, डालते हैं उसमें टायर और चेन, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ करानी है वेल्डिंग और कहाँ नहीं, ठीक है ना। चल भाई। तो गाइस फाइनली आ गया टायर, अभी इसमें रखते हैं चेन, ठीक है। स्कूटी का काम हो गया जो होना था, अब गाड़ी में रख के अब आपको दिखाते हैं आगे का सीन, चलते हैं अब। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं दुकान पे और अब खरास की दुकान पे अब अंकल करेंगे इसको वेल्डिंग, दिखाते हैं फिर आपको। इतना वेल्डिंग टूट जाती तो गाइस फाइनली स्नो चेन तैयार हो गई है। तो भाई एक और अभी जो है एक और बनाते हैं, ये वाली तो ओके है, बस इसको टाइट करने के लिए कुछ बांध देंगे, बाकी तो भाई देख लो तुम खतरनाक सीन है भाई। सीन ऐसे है, गाड़ी चलाते चलाते पीनी पड़ रही है चाय, एक्चुअली सीन ये है हम हो रहे हैं लेट और टायर हमने डाल दिया बलैरो के बीच में, तो जल्दी जल्दी कराते हैं फिट। तो भाई अपने साथ हैं, ये भी चलते चलते पी रहे चाय, तो क्या बोलते हैं गाड़ी को कराते हैं टायर फिट, इतनी देर दूसरी बारी चेन भी हो जाएगी तैयार, साइज़ तो हो गया। तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा क्या मेरे को कॉस्ट पड़ी क्या नहीं, कहाँ से जो मैंने करवाया मैंने आपको बता तो दिया, दुकान भी दी दिखा दी कहाँ से मैंने कराया कहाँ से नहीं। और अगर उधमपुर का कोई भाई हो अगर उसने कराना हो तो वो वहाँ पर जाए, आराम से हो जाएगा, कोई सीन नहीं। मैं आपको बाद में बताता हूँ कॉस्ट क्या पड़ी, अभी थोड़े लेट हो रहे हैं, तो जल्दी आपको दिखाते हैं। आज ही जाना है पत्नीटॉप, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे तो ठीक रहेगा। और भाई ने जाना है बाइक लेके, मैंने तो भाई गाड़ी पे जाना है, भाई ने जाना है बाइक लेके। भाई ये सीन है, चाय भी ठंडी हो जाएगी। हाँ आधे आधे रास्ते करेंगे ड्राइव में, बाइक पे चलाऊंगा। चलो फिर दिखाते हैं आपको आगे का सीन। तो भाई जल्दी जल्दी कराते हैं फिट, पहुँच गए दुकान पर, जल्दी जल्दी करते हैं फिट और तैयार होने भी जाना है और निकलते हैं फिर जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो भाई टायर हो गया फिट, भाई चला रहा है वो वाली गाड़ी, मैं चला रहा हूँ ये वाली गाड़ी, वो लगानी है दुकान पर, फिर मेरे को जाना है घर पे 2 मिनट। भाई दुकान के बाहर पहुंच गए हैं, एक जो है वो अभी हो रही है और मैं जा रहा हूँ अभी घर बाइक 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 लेके, जल्दी से जल्दी तैयार होते हैं दिखाते हैं आपको आगे। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:30, तो चलो चलते हैं अब, भाई आ रहे हैं बाइक लेके और हम चलते हैं गाड़ी पे, फिर आगे से हम ले लेंगे बाइक
और भाई चलाएंगे गाड़ी अगर ज़्यादा हो जाएगी ठंड तो, ठीक है। तो फ्यूल भी भराना है, फ्यूल भी कम हो गया है, तो चलो चलते हैं आगे। तो भाई भी आ गए हैं और भाई ठंड इतनी ज़्यादा ही क्या ही बताऊँ, तो पहले करा रहे हैं फ्यूल अप करा, कोई बात नहीं डालो डालो आप। तो भाई यहाँ पे पीछे लगा है ट्रैफिक भाई बड़ा ज़्यादा, टंडल के पास ट्रैफिक होता ही होता है। और मैं आज आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट एक, ठीक है। अगर कभी तुम इस साइड आओ ना पत्नीटॉप वाली साइड, और अगर ट्रैफिक हो पीछे, तो मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट कहाँ से जाना है, ठीक है। तो चलो दिखाता हूँ मैं कहाँ से जाना है अब आपको। तो गाइस जब पत्नीटॉप से जम्मू वाली साइड आओ ना, तो ये आता है एक एक मंदिर, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 100 मीटर आगे जाना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ 100 मीटर आगे जाने से कहाँ गया वो रोड, यहाँ से ना एक अंदर को रोड आता है यार, कहाँ गया। तो गाइस ये आता है यहाँ से अंदर को रोड, ये जो केवी स्कूल नहीं था जहाँ पे पहले, यहाँ से आता है अंदर को रोड और ये सीधे जाके निकलता है, मतलब चनैनी नहीं है जहाँ से एंटर होते हैं चनैनी को, वहाँ निकलता है ये जाके। तो भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऊपर ट्रैफिक था कितना, भाई इतना ट्रैफिक था ना, कम से कम टंडल के ना कोई ज़्यादा नहीं, कोई मतलब 1 किलोमीटर पीछे तक जाम ही जाम था। तो मैंने इसलिए पहले ही मोड़ ली, मुझे पता था आगे फंस गए तो बाहर नहीं आ पाएंगे। पीछे भाई आ रहा है अपना बाइक लेके, अब मैं सोच रहा हूँ मैं उसको दूँ गाड़ी, तो थोड़ी बाइक मैं चलाता हूँ, ठीक है ना। बेचारा ठंड है यार बड़ी ज़्यादा, तो भाई मैं लगाता हूँ यहाँ पे ब्रेक और भाई को बोलता हूँ आप चलाइए अब गाड़ी। तो सर अब आप चलाओ गाड़ी और भाई चलाएगा बाइक, ठीक है। चलाओ आप यार, ठंड ठंड इतनी है यार, आप बैठो, ठीक है। तो अब मैं चलाता हूँ बाइक और आपको दिखाता हूँ, पहले गाड़ी चेक कर लेते हैं फुल ऑन। हेलमेट मेरे हाँ पहन लूँगा मैं, हेलमेट कोई सीन नहीं है। बाकी भाई गाड़ी तो बड़ी हवा में आई है, चलो दिखाते हैं फिर आपको आगे का सीन। भाई बड़ी ठंडी है बड़ी ज़्यादा ठंडी है। तो भाई की शक्ल चेक कर लो, बड़ी ठंडी है और मज़ा भी आने वाला है। फुल पावर ब्रो, फुल पावर गाड़ी आ रही है आगे से, तो करते हैं पीछे। तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है बाइक पे, यहाँ पे स्पीड देख रहा है। ओ साउंड चेक करो। तो गाइस फाइनली चनैनी पहुँच गए हैं और भाई ये रोड पता है कहाँ निकलता है, जहाँ ये चनैनी पुलिस स्टेशन नहीं है, तो भाई यहाँ से निकलता है ये रोड और भाई ऊपर ना वहाँ पे पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, वो देखो ट्रक ही ट्रक है। तो बस हम इसलिए यहाँ से आए, अगर भाई को किसी को पता नहीं हो ना तो भाई किसी को भी पूछ लेना वहाँ पे, अगर मतलब जो चनैनी को शॉर्टकट है रोड वो कहाँ से है। तो भाई ये वाला जो रोड है ना, एक तो पास है, बीच में थोड़ा सा ऑफ रोड है, बाकी कोई सीन नहीं है भाई, वो जाम में फंसने से तो अच्छा ही है भाई। तो भाई पहुँच गए हैं ऊपर, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो गाइस ये चेक करो ट्रैफिक, वो देखो भाई पूरी लाइन है भाई वहाँ से लेके वहाँ तक, तो भाई यहाँ से तो आना मुश्किल ही था भाई, तो इसलिए हम वहाँ से आए। तो भाई भी आ गए, भाई चला रहे हैं गाड़ी, तो चलो चलते हैं ऊपर। तो गाइस ये भाई कुछ बोल रहे हैं यार, भाई क्या बोल रहे हो यार? भाई मैंने ये चलाई थी ऑफ रोड पे, ठीक है, अब चला रहा हूँ भाई, वो वाला फील ही नहीं आ रहा, मतलब ऐसे लग रहा है भाई अभी ना इसका क्लच है ना थोड़ा, क्लच थोड़ा वो है यार, क्या बोलते हैं, क्या क्लच का थोड़ा पैडल है ना उसका बुश खराब है, तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा KTM भाई, ठीक है ना भाई। जो ठंड में ना बाइक चलाने का फील है ना, नेक्स्ट लेवल है भाई। और वो देखो जाम भाई, शुक्र करो वहां से नहीं आए भाई। सभी पहुंचे खुद के पीछे, तो यहाँ पे खाना वाना खाते हैं और चलते हैं, हो रहा सामने पत्नीटॉप। अब यहाँ पे है थोड़ी थोड़ी ठंड, हाथ तो भाई के भाई क्या ही बताऊँ। अब मैं चलाऊंगा गाड़ी थोड़ी देर, देखते हैं आगे। तो गाइस खाना वाना हो गया, तो बस अब चल रहे हैं, खुद पहुँचने वाले हैं, भाई आ रहे हैं पीछे, ठंड भी हो गई है काफी ज्यादा। तो गाइस यहाँ पे ना सीन हो गया, भाई की गाड़ी गई है फंस, और भी हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है। ये नाली के अंदर बढ़ गई है, भाई निकाल लिए बाहर, मैं निकाल दूँ बाहर, मैं निकाल के ना आप साइड पे लगा देना। ओ हो बड़ी गंदी जगह फंस गई है। तो गाइस इनके पास हुक नहीं थी, मेरे पास हुक थी, हुक मैंने बांध दी, तो अब मैं खींचता हूँ इनकी गाड़ी, तो उस टाइम मेरे पास पड़ा, तो चलो भाई निकालते हैं गाड़ी। तो गाइस अब यहाँ पे बांध रहे हैं, दिखाते हैं आपको आगे का सीन। तो गाइस अब मैं करता हूँ रिकवरी, ठीक है, स्टार्ट है, कोई बात नहीं। तो भाई अभी हो रही है गाड़ी की रिकवरी, चेक करो टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है।
गाड़ी को, हाँ कंट्रोल भाई कुछ भी नहीं हुआ, ये पहले का वो देखो टच हो गई है। बाकी अपने भाई थे यहाँ पे, इन्होंने हेल्प की है, बाकी कोई सीन नहीं है। बाकी भाई अपने भाई हो यार, सारे अपने भाई हैं। तो भाई इसको निकाल दो यार, इसका कोई सीन नहीं है यार। भैया अपनी जान बची तो लाखों पाए यार, इतना कोई सीन नहीं है। निकाल दो निकाल दो। पता क्या चक्कर है, इनको भाई को पहले पहुंचाना है होटल आगे, ठीक है भैया आगे होटल है। बाकी गाइस फंस गई थी गाड़ी यहाँ पे, वही 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 चीज़ बोल रहा हूँ। क्या जी रिकवरी हो गई है, ट्रक आ गया बीच में, और ट्रक वाले को भी बांध ले, अब बांध ले इसको भी। नहीं 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 एक मिनट भैया। तो भाई अभी मिल रहे हैं, भाई लोग आए थे कठुआ वाली साइड से, बोलते हैं आपकी बड़ी वीडियो वगैरह देखे हैं, सो भाई लोगों के साथ ही मिल रहे हैं फाइनली। ये देखो ये प्यार है भाई, प्यार है लोगों का, प्यार है यार, चेक करो आप भाई। भाई प्यार है लोगों का, ये ब्लैक बुल को कौन नहीं जानता भाई। तो गाइस भाइयों को मिल गए थे भाई JK082L, मतलब JK जो कठुआ के भाई, भाई और भाई यहाँ पे फंस गई थी एक भाई की गाड़ी। एक्चुअली सीन ये था, भाई ने थोड़ी आई होते हैं भाई, ठीक है ना। तो भैया को मैंने बोला गाड़ी निकालो और सीधे होटल में जाओ, ठीक है। भाई की रिकवरी मैंने सेव की है, कोई सीन ही नहीं है मतलब, ठीक है। और भाई यही है कि अगर किसी भाई को पत्नीटॉप में हेल्प की ज़रूरत हो तो भाई मैसेज करे, ठीक है। भाई को मैंने बोला यहाँ पे जाओ, देखते हैं भाई कहाँ पहुँचे हैं। भाई चले गए हैं, पता नहीं भाई वो ऊपर गए हैं या कहाँ गए हैं। मैंने तो भाई खुद से ही बोला भाई को भाई चले जाओ, ठीक है। बाकी कोई सीन नहीं है, बाकी मिलते हैं अब आपको पत्नीटॉप जाके। पत्नीटॉप पहुँचे नहीं थे, रिकवरी पहले ही होगी, ठीक है। और भाई इतनी ठंड में कसम से कह रहा हूँ, अगर मैं उनकी गाड़ी नहीं निकालता ना तो भाई मैं कसम से कह रहा हूँ भाई आ रहे हैं पार का सीन था, ठीक है। वो सीन था भाई, इतनी ठंड है ना भाई, हाथ भी पूरे लाल हो गए हैं। तो चलो भाई भी आ रहे हैं पीछे, और भाई कठुआ वाले भाई भी मिल गए थे। तो बस यही है, बाकी सब भाइयों से प्यार है, बस भाई अपने स्पोर्ट बना के रखें। बाकी लव यू भाई सबको, ट्रक भर के मिलते हैं ऊपर जाके। तो गाइज ये जा रहे हैं अपने भाई, ठीक है, हम रखेंगे इनके पीछे पीछे, ठीक है ना भाई। यार इन्जॉय किया बट यार सेफ होटल में पहुंच जाएंगे तो और क्या चाहिए भाई, ठीक है ना। जान बची तो लाखों पाए भाई, और कुछ नहीं है। बाकी अब भाई के रखते हैं पीछे पीछे, तो देखते हैं। अब पीछे ट्रक भी आ रहा है, वो भाई भाई बड़े लंबे मोड़ काट रहे हैं। चलो वैसे मेरे से कोई ड्राइव करने वाला नहीं है, होता तो मैं उसको बोल देता, बाइक है वो, बाइक आती है तो बाइक कौन चलाएगा, यही सीन है। बाकी कोई सीन नहीं है, बाकी फुल पावर। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं पत्नीटॉप, अब हमने जाना है कोल्ड वे घर, ठीक है। और ये भैया भी पहुंच गए हमारे आगे आगे, तो भैया अब ले लेंगे यहाँ से रूम, इजी मिल जाएगा इनको रूम, हम चलते हैं आगे। बट यार यहाँ पे स्नो ही नहीं है जिस हिसाब से हमने फन करना है, ये क्या साइड साइड पे बड़ी है, जो कोई नहीं कल देखते हैं सुबह। एक मिनट भैया आर्मी वाले हाथ दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया जी, पूछते हैं। हाँ जी भैया, ओके। तो भैया वो भाई यहाँ पड़ी है थोड़ी थोड़ी, ओ भाई साहब चक्कर मार गए हैं ऊपर से, चलते हैं यार। गाइस भाई मेरी बात सुनो, ऊपर होके आए एक मिनट, फील ही ऊपर है। ओ भाई खतरनाक, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल यार भाई, जूम कैसे करूं मेरे हाथ, खतरनाक सीन भाई। सो भाई अभी चेक करो, देखो 12:45 यहाँ तक साफ की है, और भाई इसके आगे ना पूरी आइस है। और भाई अगर फंस गए ना तो आज की रात इधर ही है।